अलग अलग विभागों के जो सरकारी कर्मचारी जो करेक्ट के रूप में काम करते हैं वो अपनी जो वेतन बढ़ोतरी पे ग्रेड की मांग को बढ़ाकर की मांग को लेकर ये बैठे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो है वेतन बढ़ोतरी की जाए, जो उनका जो 19,900 रुपए है उससे बढ़ाकर वो 24,900 रुपए किया जाए। इसको लेकर वो लगातार जो सरकार से बातचीत करते आए हैं और सरकार से कई बार उनसे बातचीत हुई है, लेकिन जो 18 तारीख को जो पिछली बार करनाल में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि जो 4 तारीख के बाद अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 6 तारीख को वो इस तरह का आंदोलन शुरू कर देंगे। और जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में जो कलरक्स है वो धरने पर बैठ गए, प्रदेश स्तर से ये चला हुआ और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब तक इनकी मांग जो पेंशन बढ़ोतरी को पूरी नहीं की जाएगी उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे। वह भी निश्चितकालीन उन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया। कुछ हमारे साथ जो कर्मचारी नेता हैं उनके और समाज अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी संगठन नेता हैं वो भी समर्थन देने के लिए, और जो नवीन जैन सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो आम लोगों की आवाज उठाते हैं वो भी समर्थन देने के लिए पहुंचे। तमाम जो है यही नारा है। जिस तरह से बात करेंगे कुछ कर्मचारी नेताओं से, पहले तो अपना नाम बताओ जी। मैं नमित कलर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रोहतक। आप लोगों के आज धरने को कितना दिन हो गया? आज इस धरने को 3रा दिन है और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मान लेती। मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी है जी पे स्केल को बढ़ाने की, 35,400 की मांग कर रहे हैं हम, और ये 2.5 साल का संघर्ष है जी, और सरकार ने हमें हर मंच के ऊपर नकारा है और आज हम सरकार के विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर 3 दिन हो गए हमारे हड़ताल कर रखी है। सरकार से कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? सरकार के हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। कोई आश्वासन नहीं है सरकार का और अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास भी नहीं आया। किन किन लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? सभी यूनियन का समर्थन मिल रहा है और सभी विभागों ने हमारा समर्थन किया है। सभी कलर इकट्ठे हो गए, कोई भी विभाग खुला नहीं है, सभी ताला लगा दिया गया है। अगर सरकार आप लोगों की मांग नहीं मानती तो ये धरना से भी निश्चितकालीन चलता रहेगा, ये शांतिपूर्ण धरना है और हम यही बैठे रहेंगे। तो बिल्कुल इनका कहना की अनिश्चितकालीन धरना रहे और इसी पर बैठे रहे। ये बताइए कि इस बात को लेकर आप बैठे हो यहाँ पे? ऐसा जी हमारी एक ही मांग है 35,400 जो भी हमारे साथ पहले जो भी हमारे लेवल पे थे अपने जेवीटी टीचर MPSW सबका बेसिक स्केल बता दिया गया है और क्लर्क अभी भी 1900 पर है जबकि काम पूरा क्लर्क का जो भी हरियाणा सरकार की जो कमर की रीढ़ की हड्डी बोले वो क्लर्क है, उसके बावजूद हमारा वेतन बहुत ही कम है। तो आप लोग सरकार से बातचीत नहीं की, पहले मांग नहीं उठाई? हमने सरकार को अधिकारियों के माध्यम से सूचना किया लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी इसके बारे में। कब तक ये धरना पर? अनिश्चित काल धरना जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। कुछ महिला कर्मचारी कल रहे हैं उनसे बात करें, किस बात को लेकर किस मांग को लेकर आप बैठे हो? हाँ जी, क्या मांग आप लोगों की? 35,400 हमारी मांग है। जो हमारा क्लर्क स्टाफ है उसमें वर्क लोड ज्यादा है और हमारी सैलरी बहुत ही कम है, तो हमारी डिमांड है कि सरकार से हम आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारी 35,400 की डिमांड है उसको मांग ली जाए। यही हमारा मैसेज है सरकार। आप लोगों का जो पे स्केल है उसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत है आपके पे स्केल में? हमारा 35,400 का ही है और कुछ नहीं है डिमांड हमारी। खाली हम ये चाहते हैं कि हमें 35,400 का स्केल मिले और हम सरकार से यही डिमांड करने के लिए अपना रोज कर रहे हैं और हम सरकार से विनती करते हैं कि हमें 35,400 दिया जाए। इतनी महंगाई में, इतनी महंगाई होते हैं सर, कलर की वर्कलोड के हिसाब से सैलरी कुछ भी नहीं है, तो हम इसे यही चाह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए और आगे से हमारे
पास जो वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा सभी की पे स्केल ज्यादा है। हमारा कलर का सबसे कम है, पहले हमारा जेबीटी से ऊपर था पे स्केल और अब हमारा जेबीटी से कितना डाउन आ चुका है ये हम सरकार खुद को पता है। लेकिन कलरों ने अब पहली बार ऐसी हड़ताल की है, इससे पहले कोई हड़ताल नहीं की थी और अब हड़ताल की है तो हम सरकार ने अभी तक बातचीत के लिए बुलाया आप लोगों को? सर बातचीत के लिए बुलाया गया है और कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, पर काफी टाइम से यही कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, पर उस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। आपकी आर पार की लड़ाई? हाँ जी आर पार की लड़ाई। हाँ आपको अनिश्चितकालीन धरना है सर? बिल्कुल, जिस तरह से कलरा की मांग है जो 35400 है वो उस मांग को लेकर बैठे, उनका एक चेतावनी है अगर सरकार की मांग पूरी नहीं की गई ऐसा ही चलता रहेगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।